सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टैंकर ने पिकअप में टक्कर मारी है, जिससे घटना स्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पिकअप में सवार सभी लोग दरौली घाट पर नहाने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान सिवान मैरवा मुख्य मार्ग जीरादेई मोड़ के समीप पिकअप से उतरकर शौच के लिए ये लोग जगह ढूंढ रहे थे। उसी दौरान पीछे से आ रही टैंकर ने इनको रौंद डाला और घटना स्थल पर ही 2 पुरुष समेत 1 महिला की मौत हो गई। आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिवान के सदर अस्पताल से, जहां पर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं और शव को बेड पे रखा गया है। बीती रात लगभग 3 बजे की यह तस्वीर आपको सिवान के सदर अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं और शव की शिनाख्त के लिए लोगों को सूचना दी जा रही है। घटना करीब रात 12:30 बजे की है, जीरादेई मोड़ की घटना है, जहां पर ये सभी लोग दरौली घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नहाने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुई है। मृतकों में गोपालगंज जिले के लछवार गांव के रहने वाले 50 वर्षीय कमल किशोर सिंह और 50 वर्षीय अनारकली देवी, ये लोग लछवार गांव के गोपालगंज जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। वही मीरगंज थाना इलाके के जिगना गांव की 50 वर्षीय रिंकू देवी शामिल हैं। तो आपको बता दें, सिवान में बड़ी घटना घटी है, जहां पर एक पिकअप में टैंकर ने टक्कर मारी है, जिससे लगभग 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और 1.5 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिसको लेकर उन्हें पटना भी रेफर कर दिया गया है। अमृता देवी नाम है। ये बताइए, ये लोग बरौली दरौली जा रहे थे स्नान करने जी। उस रास्ते में लोग गाड़ी रुके थे, पीछे से आकर कोई गाड़ी मार दिया, जिसमें कि 3 लोग स्पॉट डेथ गए और अधिक लोग घायल हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे परिवार के और 2 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। आपके परिवार से कितने लोग इसमें थे? परिवार से 4 आदमी थे। कौन कौन लोग? हमारे 3 ठो भौजाई थी, एक पोतो थी। अच्छा, जिसमें कि एक भौजाई मेरी डेथ कर गई स्पॉट डेथ, और एक भौजाई का पंखा टूट गया है, और एक जो पतो है उसका डांड में कमर में चोट लग गया है, तो उसका इलाज चल रहा है। कितने बजे की घटना है? लगभग 12 बजे रात की। 12 बजे रात की घटना। कितने बजे ये लोग घर से निकले थे? 10 बजे करीब निकले, निकल गए थे। पता रहा जी, ट्रक मर रहा है पीछे से, वहीं मिले ट्रक से कचरा। कहाँ ये लोग जा रहे थे? दरौली। किस लिए है? किस लिए जा रहे थे? बरौली नहाने। अच्छा, तो फिर क्या हुआ है? अब वही उल्टी होता औरतन के वैसे उठा के पानी लागल हलो, पेट्रोल टंकी का पानी ले आके लागल हलो, कूड़ा वाला करा देने पीछे पैसा से मार दिया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 12-13 आदमी मिल रहा पिकअप में। तो उसमें आपके घर से कौन है जी? आपके परिवार से कौन है? मेरा लड़का है। आप देख सकते हैं, आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान के जीरादेई से, जो टक्कर हुई है टैंकर और पिकअप में।
पिकअप गड्ढे में जाके पलट गई है। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एटीएन लाइव पे सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सिवान में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सिवान के सदर अस्पताल में सभी मृतकों को बेड पे सुलाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिवान के तेज तर्रार एएसपी कांतेश मिश्रा और एसडीओ अमन समीर भी रात करीब 3 बजे सदर अस्पताल में पहुंचे और इस मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। फिलहाल बताया जा रहा है कि टैंकर ने जो टक्कर मारी है वो अपना टैंकर लेकर फरार हो गया है, पुलिस उसकी भी खोजबीन में लगी हुई है। तो आपको पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। सबसे पहले आपको यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिवान के जीरादेई मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग गोपालगंज जिले के लछवार और जिगना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दरौली घाट नहाने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान जीरादेई मोड़ के नज़दीक ये लोग शौच के लिए उतरे हुए थे, तभी पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी, इन्हें ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही इन लोगों की मौत हो गई। वही जैसे जैसे परिजनों को पता चल रहा था वो सिवान के सदर अस्पताल में पहुंच रहे थे और रोने बिलखने का सिलसिला जारी हो गया था। सदर अस्पताल पूरी तरह से मातम में तब्दील हो गया था। सिवान की कई थाने के पुलिस सदर अस्पताल में पहुंच गई थी और शव की शिनाख्त कराने के लिए परिजनों को सूचना दी जा रही थी। आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पे। आपको हम सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हादसा हुआ है वो जो भी पुलिसकर्मी थे वो सिवान के सदर अस्पताल में पहुंच गए थे। एएसपी कांतेश मिश्रा के साथ एसडीओ अमन समीर अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए थे और ये लोग परिजनों को सूचना देने में लगे हुए थे और जो भी मुआवजा है इसको लेकर भी इनसे बातचीत हुई। तो इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुआवजे को लेकर गोपालगंज की प्रशासन को सूचना दे दी गई है और उनके द्वारा जो सरकारी मुआवजा होगा मृतकों के परिवार को जरूर दिया जाएगा। रात करीब 2 बजे एक पिकअप वैन जो कि गोपालगंज से दरौली जा रही थी, बताया जा रहा है कि किसी टैंकर द्वारा मार दिया गया, इसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 16 अन्य घायल हैं। कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। ये लोग सर कहाँ के रहने वाले और कहाँ जा रहे थे? ये गोपालगंज की बताया जा रहे हैं, हथुआ प्रखंड के अंतर्गत, और ये दरौली जा रहे थे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के संबंध में बताया जा रहा है। कुछ लोग घायल भी हैं सर? ये 16 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। जी जी जी। चूँकि ये गोपालगंज के हैं ये लोग, तो हम लोगों का ये है, हम लोग सीओ को हमने डायरेक्ट कर दिया है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो बना के वो 2 दिनों के अंदर हम लोगों को सबमिट कर देंगे और उसको हम लोग गोपालगंज भेज देंगे। तो जो भी अनुदान है जो सामूहिक दुर्घटना में जो 4 लाख दिया जाता है वो गोपालगंज के स्तर से DMS के स्तर से दिया जाएगा। तो सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीर कि सिवान में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग गोपालगंज जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं जिनका उपचार सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक बताते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पटना PMCH रेफर कर दिया है। मृतकों में एक बार फिर से आपको बता दें कि मृतकों में 44 वर्षीय कमल किशोर सिंह जो गोपालगंज जिले के लछवार गाँव के रहने वाले हैं, वही 50 वर्षीय अनारकली देवी जो कि गोपालगंज जिले की ये भी लछवार गांव की रहने वाली है और 50 वर्षीय रिंकी देवी ये जिगना गांव की रहने वाली बताई जाती हैं। इस खबर पर एटीएन लाइव की पूरी टीम की नज़र बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगा हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ और सबसे पहली खबर देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव। सिवान से एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट।